नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज देश अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खबर राजस्थान के चूरू से है, जहां चूरू में पुलिस लाइन में आयुर्वेद विभाग और प्रशासन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर वासियों ने योगाभ्यास किया है। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक ने लोगों को योग करवाया और योग के फायदे भी बताए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज भी इस कार्यक्रम में पहुंची हैं और लोगों को योग के बारे में जानकारी दी है। साथ ही योग को बढ़ावा देते हुए उन्होंने कहा है कि जो इंसान रोजाना योग करता है, उसकी उम्र का कभी भी पता नहीं चलता है। क्या कहना है रेहाना रियाज का, आप भी सुनिए। ये भारतीय जीवन शैली था, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको ईजाद किया। उन्होंने खुद ने सैकड़ों साल तक इस पर आजमाइश करके, इसकी जांच परख करके फिर आम जनता के लिए एक बढ़िया जीवन शैली का वो आविर्भाव किया है, शुरुआत की है। इसको अगर दिनचर्या में शामिल करते हैं, योगा से बेटर कुछ नहीं है, ये पूरी दुनिया ने जान लिया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश से इसकी शुरुआत हुई है। हमारे संस्कृति में योगा की बहुत बड़ा योगदान है और हम इससे हमारे स्वास्थ्य को बढ़िया रखने की एक बहुत बड़ी हमारे को एक हिम्मत मिलता है और इसको सभी को अपनी दिनचर्या में और जीवन शैली में शुमार कर लेना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से योग के फायदे बताते हुए नजर आ रही है रेहाना रियाज, और इसके साथ ही योग भी करवाया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप योग करते हैं, रोजाना योग करते हैं, तो आपकी उम्र का कभी भी पता नहीं चलता है। आपको बता दें कि डीएम लोकेश गौतम ने कहा है कि हमें अगर जीवन में जीना है तो जल्दी सुबह उठकर योग को अपनाना होगा। योग ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो हमारे जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है, जो काफी हद तक सही भी है। एडिशनल एसपी राजेंद्र मीना ने कहा है कि जो युवा नशा करता है, उस युवा को नशा छोड़कर योग को अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में डीएसपी राजेंद्र बुर्डक और शहर कोतवाल मदनान विश्नोई भी वहां पर मौजूद रहे हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित शहर वासियों ने योग किया है। तो आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग दिवस के मौके पर आम आदमी हो या खास, हर कोई योग करता हुआ हमें नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी योग किया है और देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, योग के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसको हम आपको दिखाए भी हैं। कई सारे ऐसे कार्यक्रम की जानकारी हमने आपको दी है। तो आज योग दिवस है, उम्मीद करते हैं आपने भी योग किया होगा। और भी ऐसी खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस राजस्थान के साथ अब बने रहे, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।